नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कहाँ है मंदी इस विषय पर। मित्रों, जब हम छोटे होते हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सपने छोटे छोटे हो जाते हैं। जब हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, चाहे खेती में हो, व्यापार में हो, जिनिंग में हो या स्पिनिंग में हो, तब हमने अपने व्यापार के बारे में बहुत बहुत बड़े सपने देखे थे कि बड़ी ज़मीन हो, बड़ा क्रॉप हो, बड़ी फैक्ट्री हो हमारी, बहुत सारा मुनाफा हो हमें, और उस मुनाफे से हम एक बड़ी ऑफिस, एक बड़ा घर, एक बड़ी कार खरीदेंगे। इन सपनों से हमने अपने व्यापार की शुरुआत की थी। पर आज वो सपने हमें छोटे छोटे होते दिख रहे हैं, क्योंकि आज तकलीफें बड़ी होती जा रही हैं। मार्केट की मंदी, लेबर प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, बहुत से कारण हैं जो हम समझते हैं कि हमारी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हकीकत क्या है मित्रों, सच बताऊं, हकीकत यह है कि अंगूर खट्टे हैं। हम इन्हीं कारणों को सच मानकर अपने सपनों की कब्र खुद ही खोद रहे हैं। सच बताऊं तो हर आम आदमी एक खास आदमी बन सकता है। टेक्सटाइल उद्योग में यह परिस्थिति है कि हम सालों साल इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, हम सतत काम किए जा रहे हैं, पर वहां नहीं पहुंच पाए जहां हम पहुंचने निकले थे। क्या कारण है इस बात का, हमने जिक्र किया अपने काश्तकारों भाइयों से, व्यापारियों से, मिल वालों से, तो सभी का या ज़्यादातर लोगों का एक ही कारण था, एक ही तरह वो अपने आप की सोच को सीमित कर रहे हैं कि आज मंदी है भाई, और मंदी में तो ऐसा ही होता है। मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कहाँ है मंदी? आज भारत विश्व का एक नंबर का कॉटन उत्पादक देश बनने जा रहा है। आज हम विश्व के दूसरे नंबर के निकासकार, मतलब एक्सपोर्टर हैं कॉटन में, विश्व के एक नंबर के निकासकार एक्सपोर्टर हैं कॉटन यान में, और कॉटन कंजम्पशन में आज हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं चीन के बाद। यह सब अचानक नहीं हुआ है, पर यह कंटिन्यूसली हो रहा है। पिछले 10 सालों में भारत का कॉटन क्रॉप 3 गुना बढ़ चुका है। हर साल नई जीनिंग मिले लग रही हैं, हर साल नई स्पिनिंग मिले आ रही हैं, ब्रांड्स अपना मार्केट कंटिन्यूसली एक्सपांड करते जा रहे हैं, उनका बजट मार्केटिंग के लिए, एडवर्टिजमेंट के लिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों से आकर भारत में निवेश कर रही हैं, तो वो क्या सोच के कर रही हैं? अगर उन्हें भी ये लगता कि यहाँ मंदी है तो क्या वह इतना पैसा यहाँ डालती? आप आज आर्थिक परिस्थिति देख लीजिए। आज की तारीख में सेंसेक्स, मतलब शेयर इंडेक्स 28,000 पे है, जो एक ऑल टाइम हाई है। तो कहाँ है मंदी? मंदी सिर्फ हमारे मन में है। तो आज हम अगर सोचेंगे कि मंदी है तो हमारा फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। महात्मा गांधी जी ने खूब कहा था, अ मैन्स फ्यूचर इज डिजाइंड बाय हिज थॉट्स। जो आप सोचेंगे वही होगा। मित्रों, कॉटन गुरु का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो चाहिए वो दीजिए। प्रेम चाहिए, प्रेम दीजिए। इज्जत चाहिए, इज्जत दीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए, अगर मुनाफा चाहिए, तो अपने ग्राहकों को मुनाफा करा के दीजिए। इफ़ यू नीड गुड सर्विस, गिव गुड सर्विस। आज विश्व एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ये हकीकत होगी, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिजनेस में मंदी है। ऐसे बहुत से नए बिजनेस हैं जो पहले नहीं थे और अब अस्तित्व में हैं। ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो कल तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका कोई फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं कॉटन टेक्सटाइल्स में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें उनको देखना है। लुक एट द लीडर्स, लुक एट पॉजिटिविटी। अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। इस मंदी से उभरने के लिए कॉटन गुरु ने बहुत ही सिंपल फार्मूला बनाया है। ये 3 पॉइंट का फार्मूला है। सबसे अव्वल नंबर पे आता है विजन, आपकी सोच। दूसरे नंबर पे आता है प्लानिंग, आप किस तरह उस सोच को प्लान करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है एक्सिक्यूशन, मतलब आपका एक्शन क्या होगा उस प्लान के ऊपर।
इस तीन फॉर्मूला के मुद्दे पर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मित्रों हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें है छत पे जाना, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें है छत पे जाना, जिनका निशा हो आसमां उन्हें रास्ता है खुद बनाना। जय हिंद।